हेलो स्टूडेंट्स, सो नए टॉपिक में आप सबका स्वागत है। आज हम नया हमारा जो नया टॉपिक है वो है ब्लॉगिंग। एंड इसमें हम ब्लॉगिंग कैसे करते हैं, ब्लॉगिंग क्या होता है वो हम इस पूरे ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे। एंड इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए, सबसे पहले आप सबके माइंड में आता रहेगा कि व्हाट इज ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग मींस, देखिए ब्लॉगिंग दो तरह का होता है। एक तो होता है कि अपना जो वेबसाइट है, मेरा वेबसाइट कोई सेलिंग प्रोडक्ट का है, मेरा वेबसाइट कोई भी एजुकेशनल है, हेल्थ से रिलेटेड है, मेरा वेबसाइट मेरा इंस्टीट्यूट से रिलेटेड है, एनीथिंग। तो एक वेबसाइट में होता क्या है कि एक वेबसाइट में सारी सर्विसेज लोग मेंशन करते हैं कि मैं क्या क्या सर्विसेज देता हूँ या क्या क्या चीजें सेल करता हूँ। ब्लॉग उस पर लिखना, वो एक जो चीजें हम अपने सर्विसेज में मेंशन नहीं कर सकते वो ब्लॉग के जरिए हम अपने वेबसाइट पे लोगों तक पहुंचाते हैं। दूसरा होता है ब्लॉगर। ब्लॉगर जो होता है, ब्लॉगर इज अ डिफरेंट थिंग। उनकी वेबसाइट ही ब्लॉगिंग होती, उनकी वेबसाइट ही ब्लॉगिंग होती है। वो अलग अलग टाइप पे ब्लॉग लिखते हैं। अब माइंड में ये आता होगा कि लोग ब्लॉग क्यों लिखते हैं और ब्लॉग लिखने के पीछे उनका फायदा, उनका मकसद क्या होता है। तो वो सारी चीजें पहले हम क्लियर कर लेते हैं कि ब्लॉग क्यों लिखा जाता है, लोग ब्लॉगर क्यों बनते हैं। सबसे पहले आप जान लीजिए कि ब्लॉगिंग मीन्स, ब्लॉगिंग का जो डेफिनेशन है वो आप जान लीजिए कि ब्लॉगिंग मीन्स राइटिंग ऑन सर्टेन टॉपिक्स एंड जनरेट ट्रैफिक। ब्लॉगर ऑलवेज अ इन्फ्लुएंसर। यू कैन राइट अ ब्लॉग ऑन योर ब्लॉगर साइट और योर वेबसाइट। सो राइटिंग सर्टेन टॉपिक्स एंड जनरेट ट्रैफिक। तो जैसे आप गूगल पे कोई चीज सर्च करते हैं, लाइक अगर आप सर्च कीजिए अभी की 10 बेस्ट टूल्स फॉर डिजिटल मार्केटिंग या यूट्यूब मार्केटिंग या एनीथिंग आप सर्च कीजिए, तो सबसे पहला जो कभी कभी वेबसाइट आती है वो ब्लॉगिंग साइट्स आती है। तो ब्लॉगिंग साइट पे लोग जाते हैं और वहां पे जाके लोग उस ब्लॉग को पढ़ते हैं। मेनी टाइम्स वो ब्लॉगर जो होता है वो कुछ चीजें परचेज करने को बोलता है और हम वो परचेज कर लेते हैं। इट मीन्स ब्लॉगर ऑलवेज ए इन्फ्लुएंसर। सो ब्लॉगर बनने के फायदे क्या हैं? आजकल ब्लॉगर की काफी डिमांड है मार्केट में, तो अगर आप एक अच्छे ब्लॉगर बन जाते हैं तो व्हाट आर द प्रोफेशनल बेनिफिट फॉर ब्लॉगर। सो फर्स्ट वन इज वेबसाइट ट्रैफिक। आपकी वेबसाइट पे एक अच्छा सा ब्लॉग लिख के आप लोगों को अपने ट्रैफिक पे लेके आ सकते हैं। अगर आपने किसी भी कोई सब्जेक्ट पे ब्लॉग लिखा है और उसको प्रॉपरली आपने एसईओ किया है, कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन किया है, तो उससे आप अगर अपनी वेबसाइट को अपने वेबसाइट का यूआरएल वहां पे डालते हैं तो बहुत सारे लोग आपकी वेबसाइट पे आएंगे और वहां पे पढ़ेंगे। देन डायरेक्ट सेलिंग, अगर लोग ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पे आ रहा है तो आप कोई भी बैनर डाल दीजिए, कोई भी लिंक डाल दीजिए, कोई भी प्रोडक्ट डाल दीजिए, पेमेंट गेटवे डाल दीजिए, वहां से लोग डायरेक्ट आपके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को सेल कर सकते हैं। ट्रैफिक आना मतलब, देखिए ब्लॉगिंग साइट पे ट्रैफिक आना मतलब वेबसाइट पे ट्रैफिक आना, इस सेम लाइक अपने स्टोर पे ट्रैफिक आना। आपका अगर कोई शॉप है, अगर उस शॉप पे बहुत सारे लोग आ रहे हैं किसी भी चीज को जानने के लिए, समझने के लिए, तो आप किसी ना किसी तरह उन लोगों को अपना प्रोडक्ट, दूसरे प्रोडक्ट आप दिखा के सेल कर सकते हैं। इसी तरह होते हैं ब्लॉगर। ब्लॉगर क्या होता है कि वो कुछ हॉट टॉपिक पे ब्लॉग लिखते हैं, उसकी वजह से लोग उसको पढ़ते हैं, गूगल सर्च पे वो रैंक होता है, लोग उनकी वेबसाइट पे आते हैं। जब उनकी वेबसाइट पे आते हैं तो वो कुछ ना कुछ और प्रोडक्ट नीचे अपनी वेबसाइट पे किसी का बैनर दिखा के, कोई प्रोडक्ट दिखा के, कोई डिस्काउंट दिखा के, कोई एडसेंस दिखा के वो अपने प्रोडक्ट को बेचने का कोशिश करते हैं। तीसरा है मोनेटाइजेशन एंड एडसेंस। आप अगर अपने वेबसाइट पे एडसेंस के लिए हैं तो आपको बैनर डिस्प्ले एड आने लगता है, जिससे आप आपके प्रोडक्ट को उधर गूगल एडसेंस से आपको पेमेंट मिलने लगता है। जस्ट हम एक एग्जांपल देते हैं, जैसे मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ कि 10 होम रेमेडीज टू lose your weight naturally। मैंने जस्ट गूगल पे सर्च किया और मैं किसी भी दो तीन वेबसाइट पे, अभी देखो ये बहुत सारी हेल्थ वेबसाइट, इन्होंने ब्लॉग लिखा है। तो ये ब्लॉग इन्होंने क्यों लिखा है? ये ब्लॉग इसलिए लिखा है कि लोग इसे पढ़े, लोग इसे पढ़कर हमारी वेबसाइट पे आए। अभी इनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है मैं आपको बताता हूँ कि जैसे गूगल एडसेंस है, एफिलिएट मार्केटिंग है और एड स्पेस सेलिंग है।
तो गूगल एडसेंस मतलब जैसे आप कोई भी वेबसाइट पे देखते हैं तो लेफ्ट एंड राइट साइड ऊपर नीचे कुछ बैनर्स दिखते रहे, वो बैनर्स गूगल डिस्प्ले बैनर्स होते हैं। अगर कोई आपकी वेबसाइट पे आकर उस बैनर्स पे क्लिक करता है तो उसका एक परसेंटेज प्रॉफिट शेयर ब्लॉगर वाले को मिलता है। तो आप सोचिए कि एक अगर एक दिन में आपके 1,000-1,500 लोग आपकी वेबसाइट पे आते हैं और उससे 50 लोग भी आपके बैनर को क्लिक करते हैं तो आपका इनकम एक अच्छा खासा इनकम जनरेट हो जाता है। आप आपके प्रोडक्ट को डायरेक्ट सेल कर सकते हैं, अमेजॉन फ्लिपकार्ट के प्रोडक्ट को आपकी वेबसाइट पे लिंक करके आप एफिलिएट मार्केटिंग से पैसा कमा सकते हैं। आप किसी कंपनी को बोल सकते हैं कि मेरे वेबसाइट पे डेली 1,000 लोग आते हैं, मैं आपका बैनर वहां पे डिस्प्ले करूंगा तो एड स्पेस सेलिंग हो जाता है। तो जैसे मैंने यहाँ पे कुछ वेबसाइट ओपन की है, जैसे एक वेबसाइट है ये देखिए, ये जो आपको दिखा रहा है राइट साइड में दिस इज ए गूगल एडवर्टीजमेंट। दिस इज अगर मैं माउस यहाँ पे लेके जाऊंगा तो यहाँ पे ये देखिए एड्स बाय गूगल, ये एड्स बाय गूगल है। तो मैंने अगर मैं जैसे ही किसी भी वेबसाइट को अगर मैं यहां से क्लिक कर देता हूं तो ये जो स्टाइल क्रेजी डॉट कॉम है इसके ओनर को एक पर्टिकुलर अमाउंट यहां से मिल जाएगा। तो दिस इज व्हाट ए गूगल गूगल एडसेंस। तो इसी की वजह से ये लोग एक अच्छा सा ब्लॉग रहते हैं, उसको रैंकिंग में लाते हैं और यहाँ पे उनको अच्छा सा कमाई होने लगता है। तो मैं दूसरी वेबसाइट पे जा रहा हूँ, दूसरी वेबसाइट ने गूगल एडसेंस डाला है क्या, डाला है क्या देखते हैं। उनका राइट साइड पूरा खाली है। और दूसरी बात क्या करते हैं कि ये लोग जैसे अभी आपको पूरा ब्लॉग पढ़ दिए, वो हर बार प्रोडक्ट आपको बताते हैं कि देखो ये है, तो इसके साथ में इन्होंने देखो कुछ लिंक ऐसे डाले जो दूसरी वेबसाइट पे जाते हैं। उस वेबसाइट पे आपको जाओगे तो अपना प्रोडक्ट दिखाएंगे कि आप ये पाउडर ले लो, आप 100 किलो वजन कर 10 किलो वजन कम करोगे, आप ये प्रोटीन ले लो, आप इतना वजन कम करोगे। और ये देखिए कुछ उन्होंने बैनर्स यहाँ पे डाले हैं जो कि गूगल एड्स के बैनर्स नहीं है, लेकिन ये बैनर्स कहीं ना कहीं दूसरी वेबसाइट पे लेके जाते हैं। तो एनी हाउ ओवरऑल सभी ब्लॉगर का मकसद होता है कुछ ना कुछ सेल करना। तो एक आप अच्छे से ब्लॉगर, ये देखिए ये गूगल गूगल एडसेंस इस ब्लॉगिंग साइट पे भी आ रहा है। सो आई होप यू अंडरस्टूड कि व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ ब्लॉगर। तो ब्लॉगर एंड ब्लॉगर, ब्लॉगर मतलब वी ब्लॉगर, ब्लॉगर मतलब जो यूट्यूब में वीडियोस बनाता है उसको ब्लॉगर बोलते हैं, वीडियो यूट्यूब में कंटिन्यू बोलता है किसी भी चीज के बारे में। और ब्लॉगर मीन्स राइटर, जो ब्लॉग राइट करता है। कंटेंट राइटर एंड ब्लॉगर डिफरेंस है, क्योंकि ब्लॉगर जो है जो कंटेंट राइटर मीन्स व्हाट, कंटेंट राइटर मीन्स जो पर्टिकुलर कोई भी टॉपिक पे कंटेंट लिखे, कंटेंट आपकी वेबसाइट में यूज होती है, आपकी सर्विसेज में यूज होती है, आपके फेसबुक जो भी सोशल पोस्ट होता है उसमें आप कंटेंट राइटिंग यूज करते हैं, आप इमेज में कंटेंट यूज करते हैं। तो कंटेंट इज डिफरेंट एंड ब्लॉगिंग इज डिफरेंट। ब्लॉगर जो होता है वो एक अच्छा कंटेंट राइटर होता है, बट कंटेंट राइटर हर समय ब्लॉगर हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो होप आपको यहां तक काफी अच्छा समझ गया है। And now we will go to next stage, that is step to start blogging. अब blogging कैसे start करते हैं वो topic पे हम जाते हैं और हम उसको यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि एक अच्छा blogger आप कैसे बन सकते हैं। तो कोई भी blog लिखने के पहले सबसे पहले होता है decide your goal। आप goal decide कीजिए, goal decide कीजिए means what? चलो इस पे हम वन बाय वन आते हैं। तो स्टेप टू स्टार्ट द ब्लॉगिंग लाइक, फर्स्ट डिसाइड योर गोल, ब्लॉग टॉपिक, हेडलाइन टाइटल, कीवर्ड सर्च वॉल्यूम, कंटेंट क्रिएशन एंड कॉल टू एक्शन। तो इसमें हम वन टू वन वी विल गो। सो सबसे पहला है डिसाइड योर गोल। अभी हम ब्लॉगिंग लिखना स्टार्ट कर रहे हैं, समझ लीजिए आपको एक ब्लॉगर लिखना है। तो मैं आपको कुछ आइडिया और टिप्स देता हूं कि आप एक अच्छे ब्लॉगर कैसे बन सकते हैं। सो फर्स्ट वन इज डिसाइड योर गोल। तो आपको ब्लॉगर पहले के पढ़ने के पहले आपको कुछ चीजें डिसाइड करनी होगी। ब्लॉगर दो तरह के ब्लॉगर होते हैं। एक ब्लॉगर ऐसा होता है कि जो कोई भी ऐसे हॉट टॉपिक पे ब्लॉग लिखता है जो लाइफ टाइम सर्च में होता है, और एक ब्लॉगर ऐसा होता है कि आज के दिन करेंट ट्रेंड क्या है, आज के दिन मार्केट में क्या एकदम गर्म मसाला, क्या हॉट टॉपिक चल रहा है उसके ऊपर वो ब्लॉग लिखता है। तो जो लॉन्ग टर्म ब्लॉगर, एक लॉन्ग टर्म ब्लॉगर होता है और एक शॉर्ट टर्म ब्लॉगर होता है। लॉन्ग टर्म ब्लॉगर जो होता है, जैसे कोई हॉट टॉपिक है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक सब्जेक्ट, जैसे मैंने अभी बताया कि हाउ टू लूज वेट, हाउ टू डू वेट लॉस यूजिंग होम रेमेडीज, ये लाइफ टाइम सर्च वाला है। लेकिन अगर करंट है कोई अफेयर, जैसे अभी कोरोना वायरस का भी चल रहा है, तो कोरोना वायरस ये एक शॉर्ट टर्म टॉपिक हो सकता है।
जैसे अभी शॉर्ट टर्म टॉपिक, जैसे अभी कुछ लोगों को अपने जो रेपिस्ट थे उनको फांसी की सजा दी गई, इसके ऊपर ब्लॉग लिख देना, ये शॉर्ट टर्म टॉपिक है, इसको फ्यूचर में लोग सर्च नहीं करेंगे। जैसे अभी इंडिया और न्यूजीलैंड का क्रिकेट मैच चल रहा है, तो वो एक शॉर्ट टर्म टॉपिक हो गया। आज लोग सर्च करेंगे, आज लोग आपकी वेबसाइट पर जाएंगे और एक बार मैच खत्म हो गया कोई आपकी वेबसाइट पर नहीं जाने वाला। जैसे अभी दिल्ली में दंगे हुए, इसके ऊपर टॉपिक आपने लिख दिया, इसके ऊपर आपने वीडियो बना दिया, इसके ऊपर आपने लिख दिया, तो ये शॉर्ट टर्म टॉपिक है। और लॉन्ग टर्म टॉपिक जैसे फॉर एग्जांपल कि हाउ टू गेट अवॉइड टू गेट बैन फ्रॉम फेसबुक, हाउ टू डू अ फेसबुक मार्केटिंग, हाउ टू डू यूट्यूब मार्केटिंग, ये मैं कुछ एग्जांपल बता रहा हूँ। जैसे कि कोई टॉपिक हो गया कि हाउ टू गो दी इम्पोर्टेंट पॉइंट टू कीप इन माइंड बिफोर गोइंग फॉर अ ट्रिप, ये जो जो टॉपिक्स है ना, ये लॉन्ग टर्म टॉपिक है, हर कोई इसको हाउ टू अवॉइड इफेक्ट ऑफ मोबाइल फोन ऑन योर चिल्ड्रेन, ये सब लॉन्ग टर्म टॉपिक है। ये तो इनका अर्निंग भी ऐसे होता है कि जो शॉर्ट टर्म टॉपिक जो एकदम हॉट टॉपिक है, शॉर्ट टर्म टॉपिक है, वो एक दो दिन में इतना कमा लेते हैं कि दैट इज गुड इनफ। और जो लॉन्ग टर्म ब्लॉगर होते हैं वो धीरे धीरे कमाते हैं, लेकिन लंबे समय तक कमाते हैं। तो यू हैव टू डिसाइड योर गोल वेदर इट इज अ शॉर्ट टर्म कंटेंट आइडिया या लॉन्ग टर्म कंटेंट आइडिया, एंड देन व्हाट इज योर ऑब्जेक्ट, इट इज अ वेबसाइट ट्रैफिक और यूट्यूब ट्रैक, एंड अकॉर्डिंग टू यू कैन डिसाइड। So, before starting blogging, you should decide your goal. That is, a blogger, you want to bring short-term traffic on your website or YouTube, which is currently a Google search trend. So, for long-term traffic, where people regularly search on Google, जो मैंने आपको बताया है उसी के बारे में लिखा हुआ है। यहाँ पे एक example दिया हुआ है short-term search, today India versus Australia live score. Yeah, this is a good example. और लॉन्ग टर्म सर्च क्या होता है, हाउ टू बिकम ए प्रोफेशनल ब्लॉगर। यस, एब्सोल्युटली राइट, हाउ टू बिकम ए प्रोफेशनल ब्लॉगर, हाउ टू बिकम ए यूट्यूबर, हाउ टू बिकम ए एफिलिएट मार्केटिंग, ये लोग पिछले 10 साल से सर्च कर रहे हैं और अगले 50 साल तक लोग सर्च करते रहेंगे। तो दिस आर द लॉन्ग टर्म ब्लॉगर। सो नाउ आपने गोल डिसाइड कर लिया है कि आपको लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म करना है, तो नेक्स्ट चूज योर ब्लॉग टॉपिक, चूज योर ब्लॉग टॉपिक। तो यहां पर मैं एक टूल यूज करना चाहता हूं जो कि गूगल का टूल है, httptrends.google.com। ये गूगल का प्रोडक्ट है। ये टूल का फायदा क्या है कि ये टूल है जो हमें करेंट ट्रेंड क्या चल रहा है मार्केटिंग में, वो हमें ये टूल बताता है। ये टूल के हिसाब से वी विल डिसाइड अ गोल, और ये टूल के ऊपर डिटेल में मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आऊंगा। ये वीडियो काफी बड़ा हो रहा है एंड आई डोंट वांट यू टू फील बोर। तो मेरे नेक्स्ट टॉपिक में इस ट्रेंड वीडियो के बारे में मैं पूरा कंप्लीट करूंगा। तो मेरा नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिए। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।